जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, हमारे शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति गौ की सेवा करता है या गौ का दान जीवन में एक बार भी अगर कर देता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और मान्यता है जीवन पूरा होने के बाद उसकी आत्मा गौ की पूंछ पकड़कर भव सागर से पार हो स्वर्गलोक तक का रास्ता पार कर लेती है। इसीलिए गौ को माता का विशेष दर्जा दिया गया है। पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा भी जब यज्ञ हवन आदि करते थे तो उसके उपरांत गौ दान अवश्य ही करते थे। गौ दान को स्वर्ण दान से भी उत्तम बताया गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है गाय के शरीर पर हाथ फेरने से कई प्रकार के रोग जैसे लकवा, मानसिक रोग और भी बहुत से रोग आदि दूर होने लगते हैं। गौमूत्र से भी बहुत सी दवाइयों में प्रयोग होता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने पर अपनी परेशानियों को भूल जाता है, माँ के पास बैठता है, अपनी तकलीफ बताता है तो माँ के पास ऊर्जा होती है। वो अपने बच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है तो बच्चा संतोष का अनुभव करता है, उसकी परेशानियां तो उसी वक्त दूर हो जाती हैं। ऐसे ही गौ माता से एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, नौकरी व्यापार में विघ्न आ रहे हैं, परिवार में ग्रह कलेश हो, आए दिन कोई ना कोई रोग बीमारी घेर लेती हो, मानसिक परेशानी अनुभव हो रही हो, तो अब आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। आप एक मीठी रोटी बनाए, शक्कर गुड़ मिला करके चीनी नहीं मिलानी, और गौ माता के पास जाकर प्रणाम करें और प्रणाम माता कहकर संबोधित करें और एक मंत्र बोले ओम कृष्णाय नमः, और अपनी समस्या अपनी मनोकामना गौ के कान की ओर कहते हुए गौ माता को खिला दें और गौ माता के शरीर पर हाथ फेरें, चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से गौ माता भी प्रसन्न होंगी, प्रभु भी प्रसन्न होंगे, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और साथ ही नवग्रह भी शांत होंगे। अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो वे भी अशुभता छोड़ करके शुभ प्रभाव देने लगेंगे। आपके घर के ग्रह क्लेश दूर होंगे, आपके व्यापार नौकरी के विघ्न दूर होंगे। गौ के शरीर पर हाथ फेरने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। गौ में ही ऐसी शक्ति है कि वह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को हर लेती है और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।